जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। दरअसल इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बार वैशाख पूर्णिमा 16 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस पूर्णिमा को देववृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। वैशाख पूर्णिमा पर अगर पीपल से जुड़े कुछ उपाय किए जाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का दुर्भाग्य भी दूर होता है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए यह उपाय आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। पीपल के वृक्ष के कौन से उपाय करने हैं आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु श्री हरि आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद कुश का आसन लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान घी का दीपक जलते रहना चाहिए। आपको कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और आपके जीवन की परेशानियां फिर आपके जीवन में वापस लौट कर नहीं आती। साथ ही शनि, यदि शनि से संबंधित आपके कोई दोष चल रहे हैं वह भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ही उठाकर शिवलिंग बनाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे ही, और उनकी पूजन करें। इसके बाद नवग्रहों की शांति के लिए मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको नवग्रहों की शांति मिलती है और आपका जो परेशानी भरा समय चल रहा है, दुर्भाग्य यदि चल भी रहा है तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। नवग्रहों की शांति के लिए यह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस मंत्र का जाप करने से आपके नव ग्रह शांत होते हैं। पीपल पूर्णिमा के नीचे जो आपने शिवलिंग बनाया है पीपल के वृक्ष के नीचे, उसे पूजन के बाद पहले यह पूजन करें, अभिषेक करें, इस मंत्र का नवग्रह की शांति के लिए मंत्र का जाप करें, उसके बाद उसका विसर्जन कर दीजिए और पीपल के 11 पत्ते ले लें। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लें धोकर, और इसके बाद इन पत्तों पर सिंदूर या लाल चंदन से श्री माँ लक्ष्मी का एक बीज मंत्र श्री लिखें और इनकी माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से कितना भी बड़ा आपके जीवन में आर्थिक कष्ट चल रहा है, यदि आप कर्जे से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, जिंदगी पैसे से एकदम विहीन हो गई है, धन से एकदम विहीन हो गई है, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में धन फिर से आने लगेगा, धन के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और योग बन जाएंगे लाभ के। दोस्तों, जो ये 16 मई को पड़ने वाली पूर्णिमा बहुत ही खास पूर्णिमा है, बहुत ही विशेष योग लेकर आ रही है। इस दिन आप यह उपायों को करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सहज, बहुत ही सरल हो जाएगा। यदि आप धन की कमी से गुजर भी रहे हैं या कोई शारीरिक समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसे बिल्कुल दूर कर पाएंगे। विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास के साथ आप जो भी कार्य करते हैं आपके कार्य अवश्य पूरे होते हैं। कर देखें। ओम नमः शिवाय।